हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड सो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम पे बहुत सारे ग्रेट राइटर्स हुए और ये जो पीरियड था वो मिड फिफ्थ सेंचुरीज टू नॉर्मल कंक्वेस्ट जो कि 1066 में हुआ था इस टाइम पे जो बहुत सारे लिटरेरी वर्गस थे वो औरल थे इस पीरियड में जितने भी वर्क्स थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में औरल फॉर्मेट में पहुंचाया जा रहा था तो इसके जो राइटर्स हैं एंड पोइट्स हैं वो एनोनमस हैं इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे कि हमें पता है कि बीओ वल्फ एक ग्रेटेस्ट वर्क है इस पीरियड का और ये उस टाइम के हीरोइक डि के बारे में बताता है कि बी था एक कैरेक्टर जिस जो कि मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ा था सो so, इसके राइटर के बारे में भी हमें नहीं पता है इवन दो इट इज़ अ ग्रेट मास्टर बट इसके जो ऑथर हैं उसके बारे में हमें नहीं पता है वो एनोनमस हैं तो इवन टुडे जो रीडर्स हैं ना वो बहुत फैसिनेट होते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को इसके ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन को देख के सो so इसको जिसने भी कंपोज़ uh, किया है इट इज़ इंडीड अ मास्टर और इसके कुछ इस टाइम पीरियड के कुछ नोटेबल राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे साइन वुल्फ ज़ नॉन इंग्ग्लिश पोइट जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं इनके कुछ वर्क एग्जिस्ट करते हैं साइन बुल्फ अपने रिलीजियस कम्पोजि कम्पोजिशन्स के लिए जाने जाते हैं इनके फोर पोएम्स हैं जो कि अभी एग्जिस करते हैं क्राइस्ट टू एलिन द फेड्स ऑफ अपोस्टलीस एनजुलियाना साइन बुल्फ नाइन्थ सेंचुरी से बिलोंग करते हैं उसके बाद कैडमन आते हैं जो कि सिक्स हंड्रेड एंड टेन एटी टू सिक्स हंड्रेड एंड एटी एटी के बीच के पोएट हैं कैडमैन जो थे वो काउहर्ड थे एंड ही इज़ कंसिडर्ड अर्नेस पोइट जो इवन दो इलिटरेट थे बट एक स्ट्रांग आउटस्टैंडिंग टैलेंट पोजेस करते थे जिसमें वो अपने आ, मतलब एक्सप्रेशंस को आ, अपने एक्सप्रेशंस को पोइटरी के थ्रू शो करते थे एंड उनके जो हाइम्स हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहते थे एंड उनको इंग्लैंड का फर्स्ट नॉन रिलीजियस पोइट माना जाता है एंड उनकी जो एक बहुत ही अच्छी जो नॉन अभी रिलीजियस पोइट uh, जो पोइट्री है दैट इज़ कैडमन हिम्स एक उनका सर्वाइविंग टेक्स है एंड ये काफ़ी रिलीजियस है नाइन लाइन का एलिट्रेटिव पोएम है कैडमिन जाने जाते हैं एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग सो आप इसे uh, थोड़ा याद कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है यू जी सी नेट में कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग तो जो कैडमिन है वो फादर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग है। बेडे एक अनदर राइटर हैं जो कि 673 हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री एडी टू सेवन हंड्रेड थर्टी फाइव ए डी के बीच के राइटर हैं एक इंग्लिश मॉन्ग थे एंड स्कॉलर हिस्टोरियन थे बेड़े को वनरेबल बेड़े के नाम से जाना जाता है एंड इनका जो मोस्ट फेमस वर्क था एक्लेसटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ये कंपोज हुआ था 731 थर्टी वन में एंड इसको लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया था ये डिपिक्ट करता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड विद प्राइम फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्चैनिटी इन द कंट्री इसकी जो इन्होंने कैडमन की लाइफ के बारे में भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया हुआ है इनका जो वेल नोन वर्क है बेडे बेडे में एंड इनका जो uh... सब्जेक्ट है सब्जेक्ट मैटर है जो ये अपने पोइम्स में अपने रे, रे, राइटिंग में यूज़ करते थे साइंस से म्यूजिक से पोइट्री से एंड बेडे को जाना जाता है फर्स्ट स्कॉलर इन इंग्लिश लिटरेचर तो आप इसे भी याद कर सकते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट स्कॉलर इन इंग्लिश लिटरेचर सो इसका आंसर है बेडे सो so बेडे को आप याद रख सकते हैं ये आपके पेपर में आ सकता है किंग अल्फर्ड द ग्रेट जो कि 848 टू 899 एडी के बीच में आए थे अल्फ्रेड का जो ग्रेट मतलब एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर थे एंड ये किंग थे वेसिक्स के इन्होंने कंक्वायर किया था वाइकिंग वाइकिंग पे एंड उनकी उन्होंने एजुकेशन एंड लर्निंग को काफ़ी वैल्यू किया था एंड वो नॉलेज एक्सेसिबल करना चाहते थे एंग्लो सेक्शन लोगों को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे एंड इन्होंने ट्रांसलेट uh, करना स्टार्ट किया बहुत सारे लैटिन वर्क को ओल्ड इंग्लिश में एंड uh, इन्होंने ट्रांसलेट किया पेस्टोरल केयर को एंड बूथियस को uh, इनके जो कंसोलेशन है फिलोसफी uh, का उसको ट्रांसलेट किया था इन्होंने और इन्होंने बेडे के एक uh, एक हिस्टोरिकल वर्क है हिस्टोरिया इसको भी ट्रांसलेट uh, किया था इंक्लूडिंग केडमेंस हिम्स किंग अल्फ्रेड ने प्रमोट किया एजुकेशन एंड इन्होंने क्रिएशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स एंड लॉज को एडवोकेट किया सो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जिन्होंने एजुकेशन को एंड जो लैंग्वेज हैं उसको एक्सेसिबल बनाया वर्ल्ड इंग्लिश बिस है लंडन का एंड ही इज नोन फॉर हीज सरमन्स सो so, इसका काफ़ी मोस्ट फेमस जो होमली है द सर्मो लुपी एंड एंड एड एग्लो, सो द सर्मन ऑफ द वर्ल्फ टू द इंग्लिश इसके थ्रू uh, इस होमली के थ्रू विल्पस्टन ने इंग्लिश uh, uh, से पूछा है कि टू लिव एज पर द लॉ ऑफ द चर्च मतलब जो लोग हैं उनको एज पर द लॉ ऑफ चर्च रहना चाहिए एंड उनको किंग के ऑर्डर फॉलो करने चाहिए और इन्होंने uh, एक मैसेज बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था कि जो वाइकिंग का रेड है जो वाइकिंग ने अटैक किया था इंग्लैंड पे वो गॉड का जो एंगर है इंग्लिश के लिए उसको उसकी वजह से वाइकिंग्स ने अटैक किया था देन उसके बाद एल फ्रिक हैं जो कि 955 एडी टू 1010 एडी के बीच में आए थे और ये ग्रेटेस्ट प्रोज के लिए जाने जाते थे ये प्रोज राइटर्स थे एंग्लो सेक्शन पीरियड के टाइम पे और उन्होंने मतलब सिर्फ़ एजुकेट ही नहीं किया लोगों को बट इन्होंने नॉलेज स्प्रीड uh, किया सेंचुरीज में मोनिस्टिक रिवाइवल uh, किया इन्होंने एंड uh, ये अपने फैमिलीज हम, के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इनके बिब्लिकल नैरेटिव्स और मॉरल टीचिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और इन्होंने लीव लाइव्स ऑफ द सेंट नाम की एक राइटिंग uh, लिखी है जो कि काफ़ी फेमस uh, हैं ऑथर ऑफ लिटन ग्रामर के सो अगर देखा जाए ओल्ड इंग्लिश पीरियड के मेजरली कैरेक्टर्स जो राइटर्स हैं वो एनानमस हैं उनके बारे में हमें मालूम नहीं है इस पीरियड में जो मोस्टली कंटेंट है वो औरल फॉर्मेट में था इसीलिए मोस्टली जो राइटर हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि वो रिटन फॉर्मेट में ही नहीं था तो अभी हमने डिस्कस किया कुछ नोटेबल राइटर के बारे में इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यू नेट के लिए सो so, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं यू नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है सो so, मैं सीरीज़ में सारे वीडियो सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe to the channel.